हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आपके सामने आई हूँ। तो मैं एक मीठी चीज़ की रेसिपी आपके सामने शेयर करूँगी, जो मैं डिज़र्ट बना रही हूँ। वो आपको मैं बताती हूँ कि इनमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये डिज़र्ट बन के तैयार होता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इनमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। यहाँ देखिए, मैंने दो बिस्किट लिए हैं। आप समझ होंगे ये कौन बिस्किट है। तो ये बिस्किट पप्पा बिस्किट है, जो हम लोग बेकरी में मिलता है। देखिए, आप देख सकते हैं ये बिस्किट, जिसे हम पप्पा बिस्किट बोलते हैं या माखोती बोलते हैं इसको। तो ये मैंने दो बिस्किट लिया है। ये दोनों बिस्किट को अच्छे से चूर दूंगी, इसे अच्छे से चूरूंगी। आप चाहें तो किसी और चीज़ से भी इसे कूट सकते हैं। मैं इसे बेलन से चूरूंगी। ये काफ़ी क्रंची होते हैं हमारे बिस्किट फ्रेंड्स, ये अच्छे से हमारे टूट जाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। कितने अच्छे से ये हमारे तो देखिए, मैंने यहाँ इसे अच्छे से क्रश कर लिया है। कितना महीन मैंने इसे चूर दिया है। अब मैं यहाँ 5 इलायची लूँगी। ग्रीन इलायची है, हरी इलायची। इसका मैं छिलका हटा दूंगी और इसे अच्छे से हम चूर लेंगे। तो इसे मैं अच्छे से कूट लूंगी। मैंने ये सारी इलायची को कूट लिया है। अब मैं ये सारी इलायची का जो पाउडर मैंने बनाया है, इसे मैं इसी बिस्किट जो मैंने कूट के रखा था, चूर दिया था, उसे उसी में ऐड करूंगी सब। तो देखिए, मैंने यहाँ 1/2 लीटर दूध लिया है। फुल फैट दूध है मेरा। मैंने इसे बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, अच्छे से बॉयल आ चुका है इस पर। अब मैं ये पाउडर अपना जो मैंने बनाया है, वो मैं इसमें ऐड करूंगी धीरे धीरे और एक हाथ से चलाती जाऊंगी। अब इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे। फ्रेंड्स, आप दूध और बिस्किट की क्वांटिटी जितनी मैं बता रही हूँ उतना ही रखना। अगर आप 1 लीटर दूध का बना रहे हैं तो आप इसमें 4 बिस्किट डालना, और अगर 1/2 लीटर दूध का आप बना रहे हैं तो इसमें 2 बिस्किट ऐड करना। ज़्यादा बिस्किट डालेंगे आप तो आपकी ये डिज़र्ट जो है ख़राब हो जाएगी। फ्लेम मेरा हाई पर है। अगर आपके पास ये बिस्किट फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं है, या आप ऐसी जगह से हैं जहां आपको ये बिस्किट नहीं मिल पाएंगे, तो आप रस्क बिस्किट जो आता है ब्रिटानिया का, वो बिस्किट भी आप ऐड कर सकते हैं। उसे भी आप क्रश कर करके इसमें डाल के बना सकते हैं। देखिए, हमारी खीर अब तैयारी पर है। काफ़ी इसका दूध खुश्क हो चुका है, सूख रहा है ये दूध हमारा। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स, मैंने 2 टेबल स्पून भर के चीनी ली है। आपको जितनी चीनी पसंद हो उतना अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करना। अब मैं चीनी इसमें डाल रही हूँ। मैंने फ्लेम को अपने लो कर दिया है और ये ऑलमोस्ट हमारी ये डिज़र्ट बन के तैयार हो चुके हैं। देखिए, कुछ इस तरह का टेक्सचर आपको दिख रहा होगा। तो अब मैं अपने चूल्हे को ऑफ करती हूँ। ऐसे थोड़ा देर के लिए मैं छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए, फिर मैं आपको डिश आउट करके दी। तो फ्रेंड्स, ये मेरी डिज़र्ट बनके रेडी है। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में। इसे आप ज़रूर ट्राई करना एक बार ज़रूर। और इसे आप एक बना करके फ्रिज में घंटा रख करके ठंडा करके खा सकते हैं। एकदम जस्ट लाइक रबड़ी लगती है और टेस्टी बहुत ही लगती है। आप इसे ज़रूर बनाएं, खाएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स में मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बताएं मुझे कि आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। तो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आने वाली हो तो आपको सबसे पहले मिले। तो चलती हूँ मैं, दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह हाफिज़। बाय बाय, टेक केयर।